हेलो क्लास 8 एंड योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम लोग एक्सरसाइज 19A जो कि कंस्ट्रक्शन है उसे स्टार्ट करेंगे। और कंस्ट्रक्शन नंबर 1 जो है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का जो नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 19A, द क्वेश्चन इज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल। द नेम ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज PQRS एंड सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वाड्रिलैटरल इज गिवन। PQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड QR इक्वल्स टू 4.3 सेंटीमीटर, RS equals to 3.6 centimeter and SP equals to 3.2 centimeter। ये कुछ information है quadrilateral PQRS के regarding जो कि question number 1 में दी हुई है। हमें इनको use करके PQRS quadrilateral को construct करना है। तो सबसे पहले students हम क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को ये suggest करूँगा कि आप rough work कुछ कर लें। रफ वर्क कैसा रफ वर्क हो? क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसमें चार साइड हो। तो मैंने चार साइड का सपोज कोई भी क्वाड्रिलैटरल बना दिया, उसका नाम मैंने लिख दिया PQRS, लिख दिया मैंने PQRS और एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करना, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज PQRS। अब उसके बाद PQ कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। फिर एंगल P कितना दिया हुआ है? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। QR कितना दिया हुआ है? ये वाली साइड कितनी दी हुई है? 4.3 सेंटीमीटर। एंड RS इक्वल्स टू दिस साइड 3.6 सेंटीमीटर एंड SP इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर। तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि एक क्वाड्रिलैटरल है जिसकी ये साइड PQ 4 सेंटीमीटर है, एंगल P के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना है, QR 4.3, RS 3.6 एंड SP equals to 3.2। तो अब जो ये रफ मैंने बनाया है इससे हम लोग को काफी हेल्प मिलेगी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर। ओके, सो विल मूव अहेड। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले बच्चों यहां पर जो PQ है जिसके ऊपर एंगल है P 90 डिग्री, हम उसे ड्रॉ करेंगे। PQ का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहां पर 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा। तो जीरो से स्टार्ट करना है, सभी को पता है, 1 से मत लेना ये तो मिस्टेक हो जाएगी। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे। तो काफी छोटा हो जा रहा है, तो मैं आप लोग को समझाने के लिए बस बता रहा हूं, आप लोग को वैसे ही करना है। तो मैं सपोज 4 सेंटीमीटर का मैंने क्या किया? लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर मैंने यहां लिख दिया 4 सेंटीमीटर और इसका नाम क्या है? PQ। तो सपोज मैंने यहां पे P लिखा और यहां पर Q लिखा। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? P के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट आप लोग को आता ही होगा, नहीं भी आता होगा तो आज आप लोग सीख लेंगे। ये क्या है? कंपास है। कंपास में थोड़ा सा कोई आर्क लेंगे, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, एकदम मीडियम जो है आर्क लेंगे। और पी के ऊपर बनाना है 90 डिग्री, तो पी के ऊपर कंपास रखेंगे। पी के ऊपर मैंने कंपास रखा, कंपास रख के जो आर्क आपने लिया है पी के ऊपर रख के आपको क्या करना है? एक आर्क ड्रॉ करना है। देखो मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, उसके बाद ये आर्क जो है जाके इस पीक्यू लाइन सेगमेंट को जहां पे टच कर रही है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर कंपास को रखना है और इस आर्क को कैंसिल करना है। ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों? 60 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। हमें कितना बनाना है? 90 डिग्री बनाना है। तो ये 60 पे फिर रखेंगे और इस आर्क को दोबारा कैंसिल करेंगे, ठीक है। 60 पे रखा मैंने और इसको दोबारा यहाँ पे कैंसिल किया। तो यहां से यहां तक ये 60 है और ये भी 60 होगा, है ना। तो 60 प्लस 60 ये पूरा एंगल इधर से अगर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो जो 90 का एंगल होगा वो 120 और 60 के बीच में से जाएगा स्ट्रेट, है ना। तो
अब क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करना है, जो भी आर्क आप लेंगे उसमें कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज आप नहीं कर लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो मैंने टी के ऊपर कॉम्पस रखा, एक आर्क ले लिया अपने से, एक आर्क ड्रॉ किया, उस लाइन सेगमेंट में जहां टच की वहां पे रखा मैंने, इस आर्क को कैंसिल किया, ये 60, फिर यहां रखा, ये जहां कट हुआ ये 120, फिर चाहे इधर से स्टार्ट कर सकते हो चाहे इधर से स्टार्ट कर सकते हो। सपोज मैंने इधर से स्टार्ट किया और यहां पर इन दोनों के बीच में एक आर्क ड्रॉ किया, फिर दूसरे 60 वाले पे रखेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। तो क्या करना है, एक बार 120 पे रख के ऊपर में एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक बार 60 के ऊपर रख के ऊपर में एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर इसको टी से हम ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो लेट्स ज्वाइन देन, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे मैं बोलूंगा आपको एक डॉट बना देना, उससे क्या होगा कि मिस्टेक नहीं होगी, लाइन एकदम वहीं से पास करेगी। तो मैं इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दे रहा हूं। ये कितना का एंगल बना चिल्ड्रेन? 90 डिग्री का एंगल बना। ये 90 का सिंबल है ना, ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन गया। अब तो मैंने दो काम कर दिए, जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी, कितनी इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5, 5 में से मैंने दो काम कर दिए। PQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर का, P के ऊपर मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद क्या है, QR equals to 4.3, QR कितना है 4.3 है ना, तो 4.3 का हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट लेना पड़ेगा। सपोज मैं 4.3 का मेजरमेंट लिया 0 से, सपोज 4.3 जो है इतना आया, ठीक है, मैंने 4.3 का मेजरमेंट ले लिया और उसको फिर हम कंपास से क्या करेंगे बच्चों, मेजर कर लेंगे कंपास से, ठीक है। मैंने मेजर कर लिया कंपास से, और क्या है ये क्यू आर है हमारे पास, क्यू जहां पर है क्यू के ऊपर रखेंगे और जो मेजरमेंट लिए हैं उससे यहाँ पे आर ड्रॉ कर देंगे। समझ में आ रही है बच्चों? तो क्यू आर जो 4.3 है उसको स्केल से मार्किंग कर लेंगे, कंपास से मेजर कर लेंगे, क्यू आर है, आर तो दिख नहीं रहा है तो क्यू के ऊपर रख करके एक आर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, क्यू आर भी हो गया, आर एस है 3.6, तो आर एस के लिए हमें आर चाहिए और एस चाहिए। ध्यान से देखो, आर ऊपर में है और एस ऊपर में है, तो ना हमको आर पता है ना ही हमें एस पता है। आगे बढ़ो, इसको छोड़ो अभी कुछ टाइम के लिए। एसपी कितना है 3.2, एसपी में देखो मेरे पास टी है एस नहीं है, तो 3.2 वाला मेजरमेंट पहले कर, 3.2 का सपोज मेजरमेंट किए और 3.2 यहां तक आया, यहां तक, ठीक है। अब इसे कंपास से क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा, कंपास से इसको मेजरमेंट किए, ठीक है, कंपास से मेजर करके एस की नाम है इसका, एस हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है पी है, तो पी के ऊपर रखेंगे और इस लाइन को 90 डिग्री को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, एस हो गया और ये पूरा एसपी है, इसका मेजरमेंट कितना है 3.2 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर है। अब जो है जो स्किप किए थे वहां पर जाएंगे, जो हमने स्किप किया था वो क्या था, ये था आरएस है ना, कितना है 3.6 सेंटीमीटर, आरएस है 3.6, तो आरएस में एस है हमारे पास, आर नहीं है, एस करके कर सकते हैं, तो आर एस है 3.6, तो यहां तक था 3.2, हम उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये 3.6 ले लेते हैं, ठीक है। 3.6 लिया मैंने, कंपास से क्या करना पड़ेगा, इसको मेजरमेंट करना पड़ेगा, कंपास से इसको मेजरमेंट किए और नाम इसका आर एस है तो हमें आर या एस पे रखना पड़ेगा, आर तो नहीं है तो हम इसको एस पे रखेंगे, एस पे रख के इसको इंटरसेक्ट करेंगे। जैसा देख पा रहे हो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो जो QR का 4.3 था, ये जो QR था 4.3, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और बड़ा कर लेना पड़ेगा। 4.3 यहां से मेजर कर लोगे, 4.3 मेजर करके Q पे रखोगे और इस R को हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है और इरेजर लेकर के जो एक्स्ट्रा वर्क है उन्हें इरेज कर दोगे, ठीक है। तो यहां तक जो है ये कंप्लीट हुआ,
क्यू से ऊपर में क्या है आर 4.3 जो हमने लिया था, इन्हें ज्वाइन करना है। तो जहां पर उनका इंटरसेक्शन है वहां डॉट बना दिए और ये क्यू है, क्यू से आर को हम ज्वाइन करेंगे। देखो ज्वाइन कर दिए और उसके बाद यहां पे क्या लिख दिए आर, और आर से एस की हमने कर लिया था काम 3.6 का, आर से एस को भी क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे, यहां पे डॉट बना दिए ठीक है ताकि मिस्टेक नहीं हो, ऊपर नीचे लाइन नहीं हो, और आर से एस बना के हमने इसे क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। अब सबका मेजरमेंट लिख देंगे, क्यूआर कितना है 4.3 सेंटीमीटर है ना, आर एस कितना है 3.6 सेंटीमीटर है ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं, PQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, PQ पर 90 का एंगल मैंने बनाया स्ट्रेट गया, QR 4.3 सेंटीमीटर, RS 3.6 सेंटीमीटर एंड SP इक्वल्स टू 3.2 सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे देयरफॉर PQ RS इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्शन। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें पहले एक रफ वर्क कर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा भी आप चाहें, एक रफ में क्वाड्रिलेटरल बना लो और उसका नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज कर दो, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उनको उसमें पुट कर दो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे कंस्ट्रक्शन करना है। तो आप लोग इसके बाकी के जो सम्स हैं 2, 3, 4, 5 उसे कोशिश करिए कंप्लीट करने की, और अगर कुछ किसी में प्रॉब्लम होता है तो मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप ऐप में, मैं उसकी वीडियो जो है कंस्ट्रक्शन करके आपको शो करूंगा। ये आपके ऑनलाइन इवेल्युएशन में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं सेकेंड टर्म की जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।